हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी भाई बड़ी बारिश हो रही है सुबह से, और आज मेरा प्लान है चने बनाने का। तो टमाटर वगैरह थोड़ी सब्जी ख़त्म हुई है, टमाटर दूध, तो मैंने सोचा साथ में घर के पास ही एक नई मैंने देखी शॉप है एक, इस तरह मैं कभी आया नहीं था, तो बस इस तरफ अभी लेने आया हूँ ग्रोसरी। देखता हूँ कुछ मिल जाए बढ़िया सा। यार तो बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, क्या बताऊँ। तो जी वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज फिर से कुकिंग ब्लॉग चल रहा है ये वाला। अभी मैं बना रहा हूँ कड़ी, और कड़ी की सब्जियाँ हो गई हैं। ये देखो भाई, प्याज काट लिया, प्याज आलू, और ये थोड़े फ्रेश अनियंस, ये लाल मिर्च, दही और बेसन घोल के रखा है मैंने। अभी बाकी तेल बस गर्म हो रहा है, बनाते हैं फिर भाई कड़ी बनाते हैं आज। काफ़ी दिन हो गए थे यार कड़ी खाई नहीं मैंने, और फिर काफ़ी सोचा कि ब्लॉग भी शूट कर लूँ भाई, जब कड़ी बना रहा हूँ तो फिर है ना, बढ़िया ना, ब्लॉग भी बन जाएगा, कड़ी भी बन जाएगी। और थोड़ा मैंने दही ना खुद लगाया, और ये भाई घर का खुद का लगा हुआ दही है। इधर दही नहीं मिलता, यहाँ पे योगर्ट मिल रहा है, और योगर्ट मैंने काफ़ी मतलब महीना के पहले ख़रीदा था, तो महीना के उससे मैंने आगे बस खुद का दही लगाया है, और काफ़ी अच्छा लगा हुआ है दही। तो आपको ये देखो भाई, ये दही लगाया था मैंने। देखता हूँ भाई ट्राई, मैंने थोड़ी पंजाबी स्टाइल कड़ी बनाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कैसी बनती है। अपना ये तैयार है, बस मसाले डाल दिए मैंने ऊपर से स्टार्टिंग में, तड़के की तैयारी है अभी। ठीक है जी, गैस थोड़ी तेज करते हैं। एक तो ना ये वाली यार, ये गैस में ना मज़ा सा नहीं है। एक तो वीडियो शूट कर रहे हैं ना, पंगा ना हो जाए कि बनाने कुछ और लगाऊँ और बन कुछ और जाए। लो जी, आलू प्याज मसाले सब डाल चुका हूँ मैं इसमें, अब हो गया लगभग। कड़ी डाल दें इसमें, मतलब ये डाल दें बेसन जो घोला हुआ है हमने। लो जी कड़ी, अभी तो बस हाई फ्लेम पे रखनी पड़ेगी। एक तो फ्लेम में नहीं है ना इसकी, एकदम हीट नहीं आती इसमें कड़ी, तो देखते हैं अब कैसी बनती है। घोलना पड़ेगा इसे थोड़ी देर। लो जी, पंजाब की आन बान शान कड़ी तैयार है, पंजाबी स्टाइल बनाने की कोशिश की है अपन ने। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, एक बार उबाला आ जाए इसका, फिर उसके बाद मैं धीमी आंच पे इसे रखूँगा 15-20 मिनट। लो जी कड़ी भी ऑलमोस्ट तैयार है, और चावल भी इस तरफ रख दिए अपने, चने भी है मेरे दोपहर के, मैंने दोपहर में चने बनाए थे, और चने बचे हुए हैं, ये कटोरी गर्म करेंगे। कड़ी के साथ चने का स्वाद भी अलग ही होता है भाई, पूरा पंजाबी स्टाइल खाना हो जाएगा। तो जी मैंने अभी लाइट बंद कर दी, अभी घर वाले से बात कर रहा था ना, तो कितने बज गए, यहाँ के बज गए 8, तो उधर बजे हैं 12-1 बज गए, 12:30 हो गए उधर, पर घर वाले आज सोए नहीं थे, कुछ काम था तो फिर वो करके अभी सोने लगे थे, तो वो मैंने लाइट थोड़ी डिम कर दी कि उनकी आंखों में लग रही थी। तो अभी मज़ा आ रहा है भाई कम लाइट में, और गाना चला हुआ। ये अपना आउटिंग एरिया भाई, बैठने के लिए 4 बंदे और 2 चेयर और हैं पिछली तरफ हैं उधर। 8 बज गए भाई, ये 8 बजे, अभी बादल देख के लग रहा है मेरे को हल्के हल्के से ना, आपको भी लग ही रहा होगा शायद, दिख रहा हो हल्के हल्के से, ऐसे लग रहा है सूरज की रोशनी पड़ रही है अभी भी 8 बजे भी। मेकिंग मेमोरीज भाई, मेकिंग मेमोरीज, ये भी कभी याद आएगा आज से कुछ साल बाद कि भाई ऐसे भी कभी गाने सुन रहे थे, ये खाना पकता था अपना, और फॉरेन कंट्री में अपना दूसरा महीना था, और सब कुछ मतलब सब समझ रहे थे, एक नई शुरुआत थी, ये भी कभी याद आया। मेमोरीज़ यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को भाई, मेमोरीज़ बनाने का, पैसे तो चलो सब कमा रहे हैं यार, है ना, पर ये मेमोरीज ही बन रही है ना जो साथ में, ये जो कुछ साल बाद हम देखेंगे तो कितनी अच्छा लगेगा हमें कि भाई हमारी क्या क्या मेमोरीज़ बन रही थी, गाने चल रहे हैं साथ में, और
बीच में अपने थोड़ी काम की टेंशन है, पैसों की टेंशन है, फिर कल्चरल डिफरेंस जो हमारे आया, सब कुछ जो खान पान हमारा बना रहे हैं, मतलब सब कुछ नहीं मिलता जो इंडिया में हम खाते थे, फिर उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं हमारी, मतलब पूरी ज़िंदगी एक नए तरीके से एक शुरू हो जाती है एक हिसाब से। मेरे को तो ऐसे लग रहा है भाई कि ज़िंदगी एक तरह से तुम्हारे नज़दीक है, बस जब पैदा हुए थे तब तुम्हें संभालने को था, और यहाँ पे संभालने को मम्मी पापा थे, घर वाले थे, और यहाँ पे तुम्हें खुद संभालना पड़ रहा है, और तुम समझदार भी हो उतने अपने आप को समझाने के लिए, है ना। तो वही है सब कुछ न्यू, एक नई जर्नी जहाँ से तुम घर बार सब कुछ छोड़ के आए हो और नया कुछ शुरुआत करने लगे हो अपनी ज़िंदगी की। सब कुछ सीख रहे हो तुम, कैसा पैसे कमाना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, दूसरी लैंग्वेज तुमने समझनी है, उनके साथ एडजस्ट होना है, उनके कल्चर के साथ एडजस्ट होना है, ये सब कुछ। एक पर देखा जाए तो एक भाई वो है नया तुम्हें, मेरे को एक, मेरे को क्या, हर किसी को जो भी आता है उसे एक नया सब कुछ सीखने को मिलता है, दुनिया के बारे में पता लगता है। अपनी कंट्री तो चलो हम बाद में भी दोबारा जाएंगे, सीखे भी 20 साल 22 साल जो भी हम रहे वहाँ पर यहाँ पे आगे जो सीखेंगे ना उसका भी मज़ा एक अलग होगा। जी तैयार है अपना खाना, ये देखो जी, अब करी टेस्ट किया जाए। ओए हो, थोड़ी खटास कम है क्योंकि भाई दही खट्टा नहीं था, ये खटास जो होती है ना कड़ी में वो कम है, और कोई डालने के लिए मेरे पास था नहीं कि मैं इमली वगैरह डाल दूँ खट्टे के लिए, ये अमचूर डाल दूँ। आज फीलिंग आ रही ना ऐसे मेरे को आई थी, आखिर बार मैं था भाई ट्रेनिंग पे लखनऊ ताज में, तो वहाँ पे भाई बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और कम से कम हमें रात के में 2-3 बजे थे, और ना कोई ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था कोई मेरे को, मैं भाई पैदल गया, बीच में बारिश में भीगता गया। अगले दिन वैसे भी मेरी शायद छुट्टी थी, आई डोंट नो, पर मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, और इवनिंग से रात को 2 बजे मेरी ख़त्म हुई भाई, 2-3 बजे मैं पैदल गया, कम से कम 3 किलोमीटर हमारा घर वो रूम होता था उधर से पैदल गया, और काफ़ी मज़ा आया भाई मेरे को। मैं गाने सुन रहा था, ईयरफोन्स मैंने लगाए हुए थे, और ऐसे कोई मस्त सा गाना था भाई उधर। फिर मैं बीच में ना तूफान भी चल रहा था और साथ में, तो वो ये वाला माहौल ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ में लाइटें थी, ये तो इंडिया में आपने स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी भाई कि ऑरेंज ऑरेंज सी लाइटें होती हैं, ऑरेंज येलो सी मिक्स लाइट्स होती हैं वो थी भाई। और लखनऊ में हम थे वो पोर्च इलाका था गोमती नगर, तो वहाँ पर इतना कोई डर नहीं था कि भाई बड़ी पुरानी पुराना वो नहीं था, सब कुछ मतलब ठीक था एरिया, तो मैं आराम से जा रहा था, और एक पेड़ के नीचे ना भी खड़ा हुआ मैं, वहाँ पे बड़ी तेज़ बारिश हो गई थी, तो काफ़ी ना वहाँ पे मैं ऐसे गाने, फिर मैंने तो अनप्लग कर लिए एयरफोन्स, और फ़ोन पे फिर ज़ोर ज़ोर से गाने लगा के मैं फिर खड़ा होकर सुन रहा था भाई। हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, हल्की सी वो ऑरेंज ऑरेंज सी लाइटिंग आ रही थी उधर से भाई, कितना अच्छा हुआ था ना वो, अभी मेरे पास वीडियो पड़ी है, वहाँ बड़ा अच्छा फील हुआ मेरे को, वैसे ही मेरे को आज हो रहा है। मैं तेरा होने लगा।